सभी को मेरा नमस्कार, हाथ जोड़ के सभी को मेरा प्यार। आपने ये जो क्लिप देखी है ना शुरू में, देखो ये बहुत सारे बंदों ने ना बहुत सारी बार शायद देखी हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप उस हद तक शायद कंप्लीट स्टोरी नहीं जानते हैं कि क्या है इस क्लिप के पीछे की कहानी। 2013 में ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी और इसको बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, भूत प्रेतों से जोड़ के देखा जा रहा था। हालांकि मेरी नज़रों में ये कई हद तक सच है। यही बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा इस वीडियो में आपको, जो कि शायद कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि शायद आपको लगे कि हाँ कुछ तो था, कुछ वैलिड रीजंस और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं, कुछ इम्पॉसिबल चीजें जो नहीं हो सकती थी लेकिन हुई, ये सब इस वीडियो में सुनने को मिलेगा आपको। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही मजेदार चीज। ये आवाज सुनी आपने, ये एरोप्लेन की आवाज जो कि आसमान में उड़ रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ एविएटर गेम के बारे में, वो भी बेस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो क्या आप भी उड़ान भरने के लिए तैयार हो? तो आइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी गेम लेके आया हूँ जो कि आपको एंजॉय के साथ साथ देगा ढेर सारी विनिंग्स। तो साइन अप करने के बाद आपको फर्स्ट डिपॉजिट करना है और ये डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 700 टाइम्स बोनस। ये तो जैकपॉट हो गया ना। बिना गेम स्टार्ट किए गेम स्टार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो मैंने दो बैट्स किए 1000 रुपए के साथ। फर्स्ट बैट में मैंने किया कैश आउट एट ऑफ ऑड्स 2 और गाइस जीत गया मैं 2110 रुपए। अब मैं फिर से ट्राई करता हूं सेकंड बैट के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं हायर ऑड्स और मैंने किया कैश आउट और गाइस 15340 रुपए जीत गया मैं। वाओ, मैं भाई अपने 15000 रुपए क्विक विड्रॉल कर लेता हूं, ये बहुत इजी और क्विक है। तो गाइज मेरी तरह आप भी खेले एविएटर गेम, वो भी सिर्फ फॉर अ बैट प्लेटफॉर्म पर। जस्ट फॉलो द लिंक इन माय कमेंट बॉक्स जो कि कमेंट पिन हो रखा हुआ, उस पे जाएं और क्लिक करें, आपको मिलेगा 700% बोनस अप टू 30,000 रुपीज। तो गुड लक, अभी जाएं और खेलें। ये जो क्लिप अभी आप आगे भी देखोगे, जो वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखी होगी, ये क्लिप ने दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया था 2013 में। 2013 की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था एलिसा लैम, कनाडा में रहते हैं, कैनेडियन परिवार है लेकिन साथ ही साथ चाइना से भी रिलेटेड करते हैं। ये लड़की होती है 21 साल की और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। एक दिन जिद करती है एलए जाने की। अब माँ बाप थोड़े से कंजर्वेटिव जो कि अलाउ नहीं करते कि भाई कि अकेली लड़की जाए, लेकिन बहुत जिद करती है और उसके बाद घर वाले कहीं ना कहीं अप्रूवल दे देते हैं कि चल जा, लेकिन कुछ शर्तें रखते हैं साथ में। अब शर्तें क्या होती हैं? पहली शर्त यह होती है कि हमें पता होगा कि किस होटल में तू ठहरी है, मतलब पहले से ही होटल की प्री बुकिंग्स होनी चाहिए, रोज कॉल्स पे बात करना जरूर है। ऐसे ऐसे कुछ शर्तें रखते हैं वो कि भाई, जिसके कारण उसको भेज दिया जाता है। अब 26 जनवरी 2013 की ये बात है। 26 जनवरी 2013 को एक लड़की 21 साल की एलिसा एम जो कि एलए पहुंचती है, होटल सेसिल, यही होटल जड़ है पूरी की पूरी कहानी का और बहुत ही बदनाम होटल शुरू से ही, और जिसका इतिहास जो है वो बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा है अब तक। लेकिन फिर भी घर वालों को इतनी पता नहीं होता, उस लड़की को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो ये होटल सेसिल एलए में बुकिंग करवा लेते हैं। अब 26 तारीख को पहुँचती है, सब कुछ ठीक, रोज़ की तरह नॉर्मल कॉल्स। 27 तारीख सब कुछ ठीक, रोज की तरह नॉर्मल कॉल। 28, 29, 30 तारीख तक सब कुछ सही रहता है। हालांकि 5 दिन का ट्रिप था तो 31वीं तारीख जो थी 31 जनवरी, इसको लड़की को वापसी अपने घर कनाडा जाना था। अब लड़की 30 तारीख को कुछ गिफ्ट्स खरीदती है, कुछ शॉपिंग करती है अपने घर वालों के लिए, जो कि वो घर वालों को बताती भी है फोन पे। अब घर वालों को ये पता होता है कि लड़की अगले दिन अब वापसी आने वाली है, लेकिन 31 को ना फ्लाइट से एलिसा आती है और ना ही उसका कोई कॉल। घर वालों को पता था कि कौन से होटल में रुकी है, होटल सेसिल,
रिसेप्शन का नंबर निकाल के कॉल करते हैं घर वाले होटल को। अब होटल में जो है वो थोड़ी ढूंढ मच जाती है कि एलिसा लैम, क्योंकि उसने चेकआउट तो करा नहीं होता, तो होटल में ही होनी चाहिए, लेकिन लड़की गई कहाँ। और बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं, मिलती नहीं है लड़की। सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो एक ये सीसीटीवी फुटेज सामने निकल के आती है जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से दहला के रख दिया था 2013 में। 4 मिनट समथिंग ये क्लिप है, और इस क्लिप में अभी आप देखोगे तो कुछ चीज़ें नोट करना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ऐसा लग रहा है कि एक लड़की, यही एक लास्ट ऐसी फुटेज है जो बताती है कि एलिसा लैम जिंदा थी, मतलब उसके मरने से ठीक पहले की एक लास्ट फुटेज जो मिली। अब इस फुटेज में आप देखोगे कि वो लड़की है ना बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि वो लिफ्ट में से बाहर किसी को देख रही है और डर के मारे लिफ्ट के सारे बटन दबा रही है, लेकिन लिफ्ट बंद नहीं हो रही है और बहुत सारे बटन्स दबाए गए लिफ्ट के। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि उस कोई अदृश्य शक्ति है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, कोई एनर्जी जो उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है और वो बचना चाह रही है, ये भी रिकॉर्ड हुआ उसमें। और इन सब के बाद वो वहां से भाग जाती है। आप ये फुटेज देखो पहले। Thank you.
तो ये फुटेज थी जो आपने देखी। अब इस फुटेज के ऊपर भी कई सारे सवाल उठाए गए कि लड़की ने शायद हो सकता है ड्रग्स ले रखा हो, कोई नशा कर रखा हो। ये चीज़ें भी आगे जाके क्लियर हुई, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अब बात करते हैं होटल सेसिल की, कि मैं शुरू में आपको बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा कोई अच्छा होटल नहीं है, शुरू से एक बदनाम होटल रहा है। इस होटल का जो इतिहास है, करीब 16 अननेचुरल डेथ यहाँ पर हो रखी है। 1923 के आसपास ये होटल बना था, तब से लेकर अब तक 16 अननेचुरल डेथ यहाँ पर। कई लोगों ने छत पे जाके सुसाइड किया खुद से, और कई सीरियल किलर यहाँ पर थे। कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया लेके पुलिस को, तो एक सीरियल किलर तो हालांकि ऐसा भी था कि जो कि हर दूसरे तीसरे दिन किल करके आता था और अपने जो नॉर्मल कपड़े हैं उनको होटल के बाहर जो डस्टबिन था उसमें फेंका करता था, उसके बाद वो नॉर्मल होटल में चेक इन करा करता था, और किसी को भी आज तक ये बात पता नहीं लगी है। ऐसे ऐसे इतिहास सामने आए जिसमें से बहुत सारी 80% तक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है ऐसे। और यही मिस्ट्री की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस मिस्ट्री को आज पूरे 10 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये सॉल्व नहीं हो पाई है। ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो 16-17 दिन बीत जाते हैं, इस लड़की की डेथ हो, लड़की गुमशुदा है, लड़की की तलाश, लड़की के जो घर वाले कनाडा से वो एले आ जाते हैं। तभी अचानक एक दिन 15-16 गेस्ट होटल के कंप्लेन करते हैं होटल स्टाफ को कि जो होटल का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आ रही है और पानी जो है वो रुक रुक के आ रहा है। अब ये सारी बात सुन के होटल जो है वो पानी की टंकियों के ऊपर जाता है। पानी की टंकी के ऊपर जब जाता है वो, तो चार टंकियां होती हैं, चारों खोलते हैं धीरे धीरे, और उसमें से एक टंकी में एक डेड बॉडी ऊपर फ्लोट कर रही होती है, और वो डेड बॉडी होती है एलिसा लैम की। अब नॉर्मल जो पुलिस के दिमाग में कानून, क्योंकि पैरानॉर्मल चीज़ों पर कानून ज़्यादा बिलीव करता नहीं है, तो उसके दिमाग में नॉर्मल चीज़ें आती हैं कि भाई ये एक सुसाइड केस है। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अब चालू होती है। अब कई सारे तथ्य ये निकल के आते हैं इस बात में कि लड़की ने कोई ड्रग्स ले रखा था, तभी वो लिफ्ट के अंदर जो वो बिहेव कर रही थी वो वैसा बिहेव कर रही थी। अब मैंने आपको बताया कि इस होटल का इतिहास जो रहा है वो बहुत बदनाम रहा है, तो 16 अननेचुरल डेथ के बाद ये नॉर्मल पीपल्स के लिए इनकी जो टेरिस होती है वो क्लोज हो रखी होती है। तो जब वो डोर खुलेगा टेरिस का, तो रिसेप्शन पे प्लस ऊपर के 2 फ्लोर पे, 15 फ्लोर का होटल होता है, अलार्म सिस्टम लगा होता है बहुत ज़बरदस्त, तो अलार्म बज जाएगा। लेकिन उस दिन ऐसा क्यों हुआ कि एलिसा लैम जब ऊपर गई तो अलार्म कोई नहीं बजा। एक बार को चलो उसने अलार्म को चकमा दे दिया हो या किसी तरीके से उसको ऑफ कर दिया, वो भी मान लेते हैं। दूसरी चीज़, लिफ्ट में वो किससे बातें कर रही थी। तीसरी चीज़, जब उसका कोई गला दबा रहा था तो वो कौन था जो उसका गला दबा रहा था, जो छुड़ा रही थी। अब उस चीज़ का फैक्ट तब सामने निकल के आता है जब उसका पोस्टमार्टम होता है कि उसने किसी भी तरीके का ड्रग्स या किसी भी तरीके का नशा नहीं करा हुआ था। तो वो चीज़ तो क्लियर हो गई, ना उसने कोई भी ड्रग्स लिए हुए थे ना कोई भी नशा करा हुआ था। चलो ठीक है, उसने सुसाइड करा, तो पहली बात तो वो अलार्म को चकमा कैसे दे पाई। दूसरी बात, वो जो पानी की टंकी है होटल की, उसके ऊपर चढ़ना खुद में एक इम्पॉसिबल टास्क है, और अगर फिर भी चलो वो चढ़ भी गई, जो पानी की टंकी का जो ढक्कन है वो इतने ज़्यादा वेट है उसके अंदर, इतने ज़्यादा मतलब पता नहीं कितने किलो का था वो, कि उसको होटल के स्टाफ को उठाने के लिए भी 5 से 6 बंदे लगते थे। तो एक लड़की नॉर्मल कद काठी की कैसे उस ढक्कन को अकेले उठाने में सक्सेस हो गई, ये खुद में एक बहुत बड़ा रीज़न था। और अगर उसको सुसाइड करना ही था तो वो नॉर्मल टेरिस से नीचे जंप भी कर सकती थी, और अगर उसको सुसाइड करना ही था तो उस होटल से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 या 3 मिनट्स की एक रिवर है, वो वहाँ पर भी जाकर कूद के जान दे सकती थी। लेकिन इन सब चीज़ों का मिलना, बहुत सारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स इस चीज़ को भी प्रूव करने में कामयाब हुई,
और कि इस होटल में मतलब काफ़ी सारी मैंने देखी कि इस इंसिडेंट के बाद ना काफ़ी सारी पैरानॉर्मल ड्रीम्स इस होटल में स्टे करने गई और उन्होंने कुछ कैप्चर कर पाए वो अपने डिवाइसेस में और कुछ प्रूव कर पाए कि हाँ भाई ये होटल सच में एक पैरानॉर्मल है। बाकी अगर कानून की बात करें अब और कानून पैरानॉर्मल चीज़ों को नहीं मानता है तो फिर कानून आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व क्यों नहीं कर पाया? आप क्या सोचते हो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ये बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल में थी लेकिन आपके लिए थोड़ी शॉर्ट में रखी ये कहानी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो ज़रूर बताना कमेंट करके मुझे, मैं जानना चाहूँगा आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में जो इसमें भी हम मिलेंगे वो एक हॉन्टेड इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक अच्छे प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे थे, वो सक्सेस हो जाएगा आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, वो आपके सामने आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, जैसे ही डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे सारे लिंक्स हैं, जाके अभी सारे लिंक्स को फॉलो कर लो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।